देश के चौथे उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को दी करारी शिकस्त। एनडीए के प्रत्याशी और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर देश के चौथे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। नए उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। देश के चौथे उपराष्ट्रपति बने धनखड़ को मिल 528 वोट, जबकि अल्वा को सिर्फ 182 मत मिले। एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ने शनिवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी करीबी प्रतिद्वंदी और विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मात दे दी है। इस तरह धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट ही मिले हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में 15 अवैध मत भी पड़े थे। चुनाव में धनखड़ की जीत तय मानी जा रही थी, क्योंकि उन्हें एनडीए के दलों के अलावा विपक्ष की पार्टियों से भी समर्थन मिला था। ये एक संयोग है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों ही एक राज्य से हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल है, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र होते हैं। पहले से ही मजबूत थी धनखड़ की दावेदारी। एनडीए के प्रत्याशी एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल 71 वर्षीय जगदीप धनखड़ की दावेदारी पहले से ही मजबूत थी। इस चुनाव में पहले से ही धनखड़ के पक्ष में माहौल एक तरफा दिख रहा था। उन्हें मुकाबले में विपक्षी संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा 80 वर्षीय नजर ही नहीं आ रही थी। दरअसल सत्तारूढ़ बीजेपी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है और राज्यसभा में 91 सदस्य होने के मद्देनजर धनखड़ के लिए जीत काफी आसान थी। एम वेंकैया नायडू की जगह लेंगे, उनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने किया था बायकॉट। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह मतदान से दूर रहेंगी, लेकिन टीएमसी के सिर्फ 2 सांसदों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला है। बाकी वोट न डालने पर 50 से ज्यादा सांसदों में से अधिकांश सांसद इसी पार्टी के रहे। दोनों सदनों को मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के कुल 39 सांसद हैं। ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा अपने दम पीछे खींचने से विपक्षी संयुक्त उम्मीदवार अल्वा की संभावनाओं को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वही ममता के इस फैसले को एकजुट विपक्ष में एक बड़े बिखराव के तौर पर भी देखा जा रहा है।